क्या मामला है, किस बात को लेकर के आप लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे हमारी आदरणीय नेता प्रियंका गांधी जी, प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी के निर्देश पर हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष SC ST डिपार्टमेंट के आलोक प्रसाद जी को परसों रात को बिना किसी वारंट के प्रशासन ने, पुलिस ने उठा के बंद कर दिया है और उन्हें कोई बता भी नहीं रहे हैं कि किस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको जेल भेजने की फर्जी मुकदमे में तैयारी की जा रही है। दलित के इस उत्पीड़न के खिलाफ हम लोग आज सड़कों पे हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे आलोक प्रसाद जी बराबर लोगों की मदद कर रहे थे, लोगों की आवाज़ उठा रहे थे। इस दुर्भावना से प्रेरित होकर इस शासन ने उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर रही है, जिसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस के सभी नेताओं को सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए दुष्प्रभाव के कारण उन्हें जेल भेजा जा रहा है। हम इसका कड़ा से कड़ा विरोध करते हैं। अगर उन्हें नहीं रिहा किया गया तो हम सड़कों पे होंगे। अरुण कुमार, विद्यार्थी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस। सबसे बड़ा मसला जो है, जो हमारे मुल्क की तरक्की की रुकावट में सबसे बड़ा सबब बना हुआ है, वो है तालीम। तो अगर आप तालीम के ताल्लुक से उन बच्चों को रुजू कराएंगे, उनसे मिलेंगे और उन्हें पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बहुत से लोग अपनी बात नहीं कह पाते, यकीनन सी बात है माशी एतबार से, आर्थिक रूप से हम लोग इकोनॉमिकल तौर पर कमज़ोर हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। और हमेशा मैं सालाना कहता भी हूँ और बीच बीच में भी कहता रहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ख्वाह वो किसी भी मज़हब से, किसी भी धर्म से हो, उन्हें आगे आना चाहिए, क्योंकि तालीम की ना तो कोई बिरादरी है, ना इसकी कोई सरहद है, ना इसका कोई मज़हब है। इसे पाने के लिए, इसके जानने के लिए सबका हक है और उसमें आप लोग अगर ताउन रहे तो आप सवाब के और पुण्य के भागीदार बनेंगे। असली काम यही है कि तालीम हो, जिससे हमारा एक ख़ानदान, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा ज़िला, हमारा मुल्क दिन ब दिन तरक्की करे। अब जैसे इस साल हमारे यहाँ अरबी, फारसी, संस्कृत, म्यूज़िक का नया कोर्स आया है, इसी तरीके से हमारे यहाँ MSc फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स में भी शुरू हुई है और BCom पहले से चल रहा है, BSc होम साइंस पहले से चल रहा है, BA में तमाम कोर्स हमारे यहाँ पिछले 15 साल से चल रहे हैं, BEd मौजूद है, BEd इग्नू में भी मौजूद है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्स हमारे यहाँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग जामिया में पढ़ने की ख्वाहिश रखते थे, जो लोग अलीगढ़ में पढ़ने की ख्वाहिश रखते थे, उस ताल्लुक से हमारे यहाँ अलीगढ़ डिस्टेंस एजुकेशन जो गालिबन पिछले 2 सालों से चल रहा है, और इस साल करंट में हमारे यहाँ जामिया मिलिया दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है कोर्स शुरू हुए हैं, जिसमें BA है, LLB है, BSc है, MA है तमाम, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हाई स्कूल और इंटर भी है और BCom भी है और MA भी है तमाम। इसी तरीके से राजश्री टंडन है और इंदिरा गांधी यानी कि इग्नू है। तो हमारे यहाँ पहले लोगों को यह था कि रोज़गार का कोई कोर्स नहीं है, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह रोहेलखंड यूनिवर्सिटी से हमने BBA, BCA और MCA शुरू करने जा रहे हैं और गालिबन शुरू हो चुका है और लिमिटेड सीटें हैं, तो उसमें हमारे लिए, अमरोहा के लिए बड़े फ़ख्र की बात है।